महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र में शिक्षा विभाग की शिथिलता से स्कूल और हॉस्टल बने हुए परचून की दुकान, जहां विकासखंड के ग्राम दादरी में एक शिक्षक ने 10वीं के दलित छात्र को बुरी तरह से पीटा। छात्र तहरीर लेकर पहुंचा थाने। आपको बताते चले कि ग्राम दादरी में शहीद भगत सिंह पब्लिक स्कूल संचालित है, जिसकी मान्यता मात्र 8वीं तक है, लेकिन 12वीं तक अवैध तरीके से स्कूल चला रहे हैं, जिसकी सूचना कई बार BSA साहब को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें एक छात्र की फीस 500 रुपये ली जा रही, साथ ही जाति भेदभाव रखकर शिक्षा दी जा रही है, जिसका शिकार सचिन अहिरवार पुत्र भवानी दीन अहिरवार निवासी कुनाटा थाना मोहबकंड के 10वीं के छात्र को बनाया गया। छात्र को शिक्षक ने बुरी तरह पीटा, साथ ही किसी को न बताने की धमकी दी। वही छात्र के साथ दोबारा 19 को चमकर पीटा था, जो बुरी तरह डरा और सहमा हुआ था। डरने के कारण 3 दिन बाद छात्र ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर थाने में तहरीर दी। वही पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। स्कूल पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी शिक्षक फरार था। बेटा आपका क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हूँ? किस क्लास में पढ़ती हूँ? 10 में। किस जगह पढ़ती हूँ आप? कौन से स्कूल में? शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज पब्लिक स्कूल। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सचिन सिंह है, और हम क्लास 10 में पढ़ते हैं शहीद भगत सिंह पब्लिक स्कूल में। हमको टीचरों ने बहुत मारा, और बिना गलती पे भी मारा, और गली में गाली गलौज भी की। कौन थे ये टीचर? संदीप सैनी थे। कहाँ के रहने वाला है? कौन सी क्लास है?